हेलो व्हाट्स अप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लासेस चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन 7। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 7 है, हाउ मेनी वुडन क्यूबिक ब्लॉक्स ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूबॉइड ब्लॉक्स ऑफ वुडन वुड ऑफ साइज 15x160x80 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है एक ये क्यूबॉइड है, मतलब ये मैंने क्यूब बना टाइप बना दिया पर क्यूबॉइड है। अब इसमें से हमें ना एक छोटे छोटे 20-20 सेंटीमीटर के ना क्यूब क्यूब काटने, तो हम कितने काट पाएंगे? तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है? लेंथ दे रखा है 5, ब्रेथ दे रखा है 160 और हाइट दे रखा है 80। हाँ, ये कितना हो गया? 5 × 40 तो 400 × 160 600 × 64 = 6000 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया हमारा 64,000 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, अब हम क्या फाइंड कर लेंगे? हम फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ पहले हम फाइंड कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना? कितने क्यूब, एक क्यूब का कितना वॉल्यूम है? अब ए हमें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, है ना? तो यानी कि 20 का क्यूब, क्योंकि हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है। 20 सेंटीमीटर का क्यूब यानी कि 20 का क्यूब कितना था? 8000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या फाइंड करना है कि कितने क्यूब इस्तेमाल हुए, तो हम ये लिखेंगे सो नंबर ऑफ क्यूब इक्वल्स टू, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, एक मिनट आपको देखने रहा होगा क्यूब। देखो नंबर ऑफ क्यूब निकालने का फिर हमने फॉर्मूला बना लिया ना कि देखो ये बड़ा वाला क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है। हाँ, अब इसमें से हमें छोटे छोटे क्यूब काटना है, तो जितना इस पूरे का वॉल्यूम इस बड़े वाले का, उसमें से छोटे वाले का वॉल्यूम माइनस डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा ना कितने क्यूब इस्तेमाल हुए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हमने फाइंड किया था? 64,000 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना था? 8,000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कट गया, ये 30, ये 30 और 8 × 64, तो हमारा आंसर आ गया 8। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ गए? नंबर ऑफ क्यूब्स हो गया 8, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 8 है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड वाटर टैंक आर 7 meter, 6 meter एंड 15 meter रिस्पेक्टिवली। इफ 8,400 लीटर ऑफ वाटर इज पम्प्ड आउट ऑफ द वाटर टैंक, फाइंड द फॉल इन वाटर लेवल ऑफ द वाटर टैंक। हमें कह रहा है एक वाटर टैंक है जिसकी लेंथ 7 meter दे रखी है, ब्रेथ 6 meter दे रखी है और हाइट 15 meter दे रखी है। हाँ, और उसमें से हमने 8,400 लीटर्स पानी निकाल लिया, तो उसकी हाइट में कितना चेंज आएगा ये पूछ रहा है। हाँ, तो हम पहले ही देखो क्या करते हैं, हमें वॉल्यूम हमें इतना दे रखा है, यानी कि हमें वॉल्यूम दे रखा है इतना पानी निकाल लिया, लेंथ और ब्रेथ सेम रहेगी, बस हाइट चेंज होगा। मतलब आप समझो ये एक टंकी है, ठीक है, इसका लेंथ मैंने बता दिया, मतलब ये स्क्वायर टंकी, वो क्यूबॉइडल टंकी है, वो वैसी वाली टंकी थी, तो इसका लेंथ मैंने बता दिया 7 सेंटीमीटर, इसका ब्रेथ बता दिया, एक मिनट टंकी अब क्यूबॉइड जैसी बनानी पड़ेगी, अरे एक मिनट, ये देखो ये क्यूबॉइड जैसी टंकी है। हाँ, इसका मैंने लेंथ बता दिया 7 meter है, ब्रेथ बता दिया 6 meter है। अब इसमें मैंने बोला इतना पानी है, इतना पानी है, अब इसमें से मैंने 8,400 लीटर पानी निकाल लिया, तो इसका हाइट में ही चेंज आएगा ना, तो हमें वही हाइट में चेंज बताना है, तो हमें वॉल्यूम दे रखा है। तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें अभी क्या दे रखा है? 8,400 लीटर्स। हाँ, इक्वल्स टू लेंथ कितना दे रखा है? 7 meter, ब्रेथ कितना दे रखा है? 6 meter और हाइट हमें बतानी है ना कि कितना चेंज आ रहा है। हाँ, अभी देखो 84,000 लीटर है, तो लीटर को मीटर में चेंज कर, यहाँ मीटर है यहाँ लीटर है, तो मीटर को लीटर में चेंज कर, लीटर को मीटर में चेंज करके 1000 से डिवाइड कर देते, 1000 से डिवाइड कर देते तो ये मीटर बन गया, इक्वल्स टू 7 × 6 = 42 × h, ये वो ना, ये तो अब ये हटा दो। देखो ये 42, अब ये 0 से ये 0, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, अब ये कितना बचा? 84/10 या 42 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो डिवाइड में 42 = 84 = हाइट, तो हमारा हाइट क्या, एक मिनट आपको दिखेगा नहीं, हाँ, तो हमारा हाइट आ जाएगा 2/10 यानी कि 0.2 meter, या फिर हम इसे कह सकते हैं 20 centimeter, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।